चल पड़ी 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 सेवेंटीन का टेबल सुना, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, फोन चाहिए तो ले लो। मुझे ना पता लग गया है तुम्हारा चक्कर शर्मा जी की बीवी के साथ चल रहा है। अबे देखो कैसे पता लगा, कल रात को शर्मा जी आए थे तुम्हारा चड्डा पहन के। पानी पीना है तो बहती धाराओं में पियो, नलों में क्या रखा है। पानी पीना है तो बहती धाराओं में पियो, नलों में क्या रखा है। और प्यार करना हो तो सीधे साधे लड़की से करो ना, उन दिमाग वाले लड़कियों में क्या रखा है। पारुल, ये पीछे लड़की दिख रही है? हाँ? ये अगर मेरी नहीं होने तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, अगर वो तेरी हुई तो तू सबकी होने देगा? बच्चों, किस किस के घरों पे लैट्रिन बनी हुई है? सर मेरे। शहबाज, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? सर जी, मेरे घर पे तो दाल रोटी बनी है। अच्छा बेटा बताओ, सुबह सुबह सबसे पहले क्या निकलता है? टट्टी। अबे सूरज निकलता है सबसे पहले, सूरज। भाई तेरा कल बर्थडे था, तूने मेरे को बुलाया नहीं। भाई परसों तेरी सुहागरात थी, तूने भी तो नहीं बुलाया। अरे भाभी जी, हाँ जी, आप कल जब मंदिर गए थे मैंने सुना आप अपने पति को अगले जन्म में वापस मांग रहे थे। हाँ। आप तो उनसे इतना लड़ते हो फिर भी। अरे मैंने इस जन्म में उनको इतना ठोक पीट के सुधारा है, अब अपना तैयार किया हुआ रेडीमेड माल में किसी और चुड़ैल के लिए क्यों छोड़ू। बेबी ये प्रेग्नेंट क्या होता है? फालतू की बकवास मत करो, चलो यहाँ से। लगता है प्रेग्नेंट का मतलब गुस्सा होता है। अबे देख के चल, अबे मेरे से फालतू बकवास मत कर, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। भाभी। बको। भाभी एक क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। हाँ पूछो। भाभी सुसाइड किसे कहते हैं? जो साइड में जाके सुसु करते हैं उसे ही सुसाइड कहते हैं। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया? हम दोनों को मिलाने के लिए। वो कैसे? देखो मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए। ठीक है। और मैं मूर्ख थी इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। अबे तेरे को पता है मेरा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है ना, तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो देख मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। हाँ नेताजी, अरे इस बार भंडारे में 10 करोड़ का घी मेरी तरफ से। हाँ एक सेकंड। हाँ भाई, वो फॉर्चुनर ले आया और तेरे को मैंने बोल दिया है कि आज के आज जुहू बीच खरीदना अपने को। हाँ ठीक है। बेबी 10 रुपए दो ना, बीड़ी लेना है। मुंबई से आया मेरा जान। जान को क्वारंटाइन करो। हेलो, किसको बोल रहा तू? अबे फोन पे बात कर रहा हूँ ना। मेरे को लगा मेरे को बोल रहा होगा। अबे तेरे को क्यों बोलूंगा खेपड़ी, चल निकल यहाँ से। फोन पे बात नहीं करनी। दादी बोलो टे टे। फिर से बोलो एक बार टे टे। बेटा लेकिन तुम मुझसे टे क्यों बुलवा रहे हो? क्योंकि मम्मी पापा से कह रही थी ना, पता नहीं ये बुढ़िया टें कब बोलेगी। सुनिए। हाँ? मेरी एक बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बोलो ना। आपने पड़ोसन को लाइन मारना बंद कर दिया? नहीं। हाँ बहू जी। मम्मी जी, मान लो अगर तुम बेड पे बैठी हो और मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाऊँ तो मम्मी जी मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी। अगर मैं सोफे पे बैठ गई तो मम्मी जी मैं दरी पे बैठ जाऊंगी। और अगर मैं दरी पे भी बैठ गई तो मम्मी जी मैं फर्श पे बैठ जाऊंगी। और अगर मैं फर्श में भी बैठ गई तो मम्मी जी मैं जमीन में गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाऊंगी। अच्छा अगर मैं गड्ढे में भी बैठ गई तो मैं उस गड्ढे पे मिट्टी डाल के ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं मैं। भाई घूमने चल रहा है क्या? अरे यार आज मन नहीं है यार। अरे चल यार मजे आएंगे बहुत। अच्छा कितने लोग हैं? अरे 3-4 लोग हैं, मेरे दोस्त हैं। चल तू इतना बोल रहा तो चलते हैं। चल यार मजे आएंगे बहुत। आजा भाई आजा घूम ले। अबे ये
चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लड़की पटाओ तो जेब कटे, कह गए संत कबीर।